ये है यहाँ पे एक नंदी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा। जब आप श्री शिखर से ऊपर से जब नीचे आएंगे या जाएंगे तब आपको ये रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे भी एक बार आप देख सकते हो थोड़ा सा व्यू जो वहाँ ऊपर मंदिर से भी दिख रहा था और यहाँ से भी दिख रहा है। जो वाटर फ्लो दिख रहा है ये वाला, ये जो पानी बह रहा है वो डैम पे जाता है ये पानी। जो भी यहाँ व्यू बहुत अच्छा श्रीशैलम में आने के बाद, पहाड़ ग्रीनरी इतनी सारी ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। भाई बोल रहा है कि मैं विसल डालूंगा, सीटी बजाऊंगा तो टाइगर आएगा, डरना नहीं है। तो हम भी बोल रहे हैं टाइगर को, बोला हम नहीं डरेंगे। ठीक है भाई, बोला अभी हम जा रहे हैं साक्षी गणपति भी दर्शन करना है, तभी हमारी यात्रा पूरी होगी। वो जो हमारी मन्नतें पूरी होगी ऐसा बोलते हैं। तो या पहले आप कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, आपके मर्जी है, कभी भी करो। पहले करना है, आप जल्दी हो जाएगा। पर ऐसा है कि करना जरूर है, नहीं करेंगे तो आपको यात्रा जो आप दर्शन करने आए वो पूर्ण नहीं होता है। अब हम आ सकते हैं साक्षी गणपति दर्शन करने, इसके बाद जाएंगे श्रीशैलम बाबा के धाम, बाबा के दर्शन कर लिए चलते हैं, पहले यहाँ पर कर लेते हैं। ये है गणपति साक्षी महाराज, यहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। गणेश महाराज जी बुलाते हैं यहाँ पे सभी को, यहाँ पे जरूर करें दर्शन, बाबा के दर्शन जरूर करें। महाराज के गणपति बाबा के मंदिर पे तो दर्शन करते हैं, आओ। गणपति महाराज के दर्शन हो गया अच्छे से, अब बस पाताल गंगा। गाड़ी बंदा मिला यार, मन मर्जी जैसे गाड़ी चला दे रहा है एकदम सुपर। ट्रैफिक में जाए तो फुल रश हुआ, हाँ लेट पकड़े आएगा। मस्त मस्त नंदी महाराज के दर्शन कर लो और शिवलिंग के भी दर्शन, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होगी। ये है सिटी के एंट्री गेट पर, यहाँ पर जरूर एक बार रुकें और शीश नवाएं, बाबा का आशीर्वाद लें, आशीर्वाद से आपकी जिंदगी संपन्न होगी। जय भोलेनाथ, 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 जय भोलेनाथ। ये एक मूर्ति है जो यहाँ पर भी आप इसके भी दर्शन कर सकते हो। क्या व्यू है आप देख रहे हो, सुपर व्यू है। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ ले जाके, मूर्ति के पास जो सामने दिख रही थी, अभी थोड़ा रोड ट्रैफिक है, क्रॉस करना है। बाला पर मत जाना, बाल कैसे हो रहे हैं। तो आप इस मूर्ति को साथ देख सकते हैं, अभी ये है मूर्ति, दर्शन कर लीजिए दर्शन। और ये है बाबा का दरबार, ये रास्ता है, यहाँ पे है बाबा का दरबार, ये है रास्ता, वो सामने बाबा का दरबार, दरअसल यही रास्ता जाता बाबा के लिए। हम जा रहे हैं पाताल गंगा, मिलते हैं पाताल गंगा पर। लाइफ में कुछ तूफानी, ये भाई रोपवे का सिस्टम पूरा कैसे चलता है क्या है। इधर है ट्राली, इधर है ट्राली भाई, भाई वहाँ जाएंगे वहाँ, क्या साहब लाइफ का मजा रोप के साथ, अप डाउन ओनली 65 रुपीस, चढ़ने के लिए ओनली 700 सीढ़ियाँ, पैरों में दम है तो आओ देखते हैं आप, चैलेंज देते हैं यार रोप पे को, हम दे पाते कि नहीं दे पाते। इधर से जाएंगे रोपवे में, उधर से देखते हैं क्या होता है। ये भाई रोपवे, पहली बार लाइफ की सवारी रोपवे में, ओ भाई साहब स्टार्ट। ये है कृष्णा नदी, साउथ की गंगा बोलते हैं, साउथ की गंगा जिसके हम ले रहे हैं नज़ारे। भाई साहब देखो रोपवे के नज़ारे, भाई लाइफ में पहली बार बैठा हूँ मैं तो, ओनली 65 रुपीस अप एंड डाउन, पर टाइम कितना लगता है इसका पता नहीं है, पर मज़े भाई पूरे हैं। और ये रोपवे का स्टैंड आ चुका है और वो है सामने डैम,
जो वो दिख रहा है वो है डैम नागार्जुन सागर डैम। अभी रोप की राइड पूरी हो गई हमारी और अब सीढ़ियों की राइड पूरी करेंगे, देखते हैं हमारे पैरों में कितनी दम है। हम आ रखे हैं अब नदी के पास, कृष्णा नदी के पास। साहब नजारे, फुल नज़ारे, ये देखो पूरा जहाज खड़े हुए उधर, पानी वाला जहाज है, पर बैठने का मन नहीं है अभी। नाव के नज़ारे लेने तो बोटिंग अच्छा खासा पे करना पड़ेगा आपको। वो उधर बोट जा रहा है वो डैम के पास। चल चलते हुए जय गंगे। నువ్వు చేయలే ఇలా సబ్బు వాడబోతుంది ఇక్కడ తీసుకో సబ్బు यार। वो वाली गोल वाली वोटिंग करनी है, पर गोल वाली वोटिंग मछली पकड़ने वाले भाइयों के लिए है, वोटिंग करा नहीं रहे। ये अंकल घूम रहे हैं बोट में, मुझे भी करनी थी, इसमें बहुत शौक था मेरा, पर वो बिठा नहीं रहे थे। नज़ारा ले लो भी आप ऐसे ही पूरा। वो खड़ी हैं बोट्स बहुत सारी, यह है बोट। प्राइस ऊपर ही फिक्स हो जाता है इनका टिकट का, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं। यही है वो सीढ़ियाँ रोपवे से आके, और इन सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर, देखते हैं हम भी कितने ऊपर जाना पड़ेगा, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के देखते हैं। चढ़ के आगे भी हम और चल रहे हैं ऊपर भी, कितनी सीढ़ियाँ हैं अभी तो थोड़ी सी भी ना चढ़े, काउंट नहीं करी हमने कितनी है, ऊपर जाके देखेंगे कितनी है, पहले चढ़ लेते हैं। घंटी वाला काम हो रहा है ऊपर चढ़ना, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अब लास्ट वीडियो में देखा मेरी ने, इतना मुश्किल होता है। ऊपर आ चुके हैं अब, पर पैरों में दर्द होने लग गया। अब मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, क्या नज़ारा भाई साहब, पर पैरों में दर्द होने लग गया भाई। ये सबसे ज़्यादा होने वाला है पैरों के लिए, इस पर चढ़ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ तक ओम नमः शिवाय हो गया, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से अभी आधा भी नहीं आया। चलते हैं अब अपन ऊपर, और इतनी और ऊपर जाना है। करते हैं ख़त्म, हमारी ट्रिप पूरी हुई बाबा की कृपा से, और आप भी आएँ दर्शन करने श्री सेलम, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जय भोले की।